नगर पालिका परिषद कुम्हारी के अध्यक्ष राजेश्वर सोनकर ने अपने कार्यकाल का तीसरा बजट बुधवार को पेश किया। पालिका अध्यक्ष द्वारा लगभग 3 अरब का बजट पेश किया गया है। बजट बैठक के दौरान 10 एजेंडों पर चर्चा की गई। सभी एजेंडों को सर्वसम्मति से पारित भी कर दिया गया। बजट को लेकर पालिका अध्यक्ष राजेश्वर सोनकर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। वही बताया ना, जो तालाब का भी स्थिति था, फेस वन में काम हुआ था, फेस टू में लेके आ रहे हैं, तो वो कम्प्लीट होगी और कम्प्लीट होने के बाद हमारे गाँव वासियों के लिए और सभी रोड वासियों जो जा रहे हैं बाहर के लिए, वो यहाँ नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ तालाब, आस पास के तालाब कहीं नहीं है, तो ये सबसे बड़ा उपलब्धि रहेगा हमारे गाँव के लिए और प्रदेश के लिए। जो स्थिति अच्छी रहेगी, जो नेशनल हाईवे से लगा हुआ तालाब जो डेवलपमेंट हो रही है। 40,27,338 रुपये का बजट पास किया गया है और बजट है 1,31,36,338 रुपये। ये सभी समस्त पार्षदों का योगदान से बजट बहुमत से सब पास किया गया है। सब पार्षद को भी मैं सादर अभिनंदन करता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रणाम करता हूँ, कुम्हारी जनता को भी प्रणाम करता हूँ, अपने वाणी को विराम करता हूँ। सातों बजट है, माननीय मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है, इसकी अपॉर्चुनिटी हमारे नगरवासियों को मिल रही है और जिस प्रकार से फंड हमारे नगर पालिका क्षेत्र में दिया गया है लगभग 3 अरब का, वो उत्साहजनक है। सभी क्षेत्रों को बराबर व्यवस्थित रूप से ध्यान देके किया गया है, चाहे वो सड़क हो या नाली हो, पानी हो, बिजली हो, सभी चीज़ को ध्यान में रखते हुए बजट में इसकी व्यवस्था की गई है। उत्साहपूर्ण बजट है। 300 करोड़ का बजट, हर साल करोड़ों का बजट पेश किया जा रहा है, लेकिन लोगों का जो मूलभूत सुविधा है, रोड, नाली, पानी, सफाई व्यवस्था, टोटल ये कुछ नहीं है, टोटल 0 है। तो आज जो बजट पेश किया उसको लेकर के मतलब कितने संतुष्ट हैं? हमारे अध्यक्ष महोदय अगर विकास कार्य में अगर करेंगे तो हम उसका बिल्कुल खुल के सपोर्ट करेंगे और गलत करेंगे तो हम उसका विरोध भी करेंगे और ढोल के ढोल सुहाने होते हैं बजट में। मैं साथ ही आज के बजट में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें जो राशि उपलब्ध कराई है, मैं उनको पूरे समस्त जनप्रतिनिधियों की ओर से, हमारे नगर पालिका अध्यक्ष हैं उनकी ओर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। नगर पालिका परिषद के द्वारा 2022-23 का आज अनुमानित बजट प्रस्तुत किया गया है जो 3,03,40,27,338 रुपये का है और अनुमानित व्यय जो है वो 3,20,89,01,000 का है। इस प्रकार से 1,41,36,348 रुपये के लाभ का बजट प्रस्तुत किया गया।